वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कैरोविट का मिक्सर टैप्टो। ये कैरोविट एक काजरिया ब्रांड है, काजरिया का ही है और ये एकदम नया आया है मार्केट पे, इतना पहले से नहीं था। तो पहले काजरिया ओनली टाइल्स बनाता था और अभी सब बाथरूम का फिटिंग्स, बेसिन वो सब भी आता है। तो इसका प्राइस देख लीजिए, 4200 है और इसमें मुझे 25% डिस्काउंट मिला दुकान से और ये 3111 रुपीज़ पड़ा मुझसे। तो इसका मॉडल नंबर है एज वाल मिक्सर। तो अब इसको खोल के देखते हैं इसका अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स खोल के देखते हैं। तो बॉक्स में आपको तीन पाइप जैसा मिलता है, मतलब यहाँ पे तीन होल रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो वाल फ्लेंज है वहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वाल फ्लेंज एक बार देख लीजिए, ये प्लास्टिक का है। सो सबसे बड़ा कौन यहाँ पे आता है कि ये प्लास्टिक का है, तो इसके लिए बहुत लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ काजरिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा प्लास्टिक देते हैं तो उन लोगों का कस्टमर हाथ से चला जाएगा। तो नया ब्रांड है, अभी पतला स्टील देने से भी काम हो जाता है, बट प्लास्टिक ठीक नहीं रहता है। तो क्योंकि प्लास्टिक में क्रोम अच्छा से रहता भी नहीं है, ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता। आपका प्लास्टिक से क्रोम निकल जाएगा और वो वाइट हो जाएगा, तो कितना अजीब लगेगा देखने में। तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे और एक फिटिंग है, शायद ये ऊपर वाला का है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट पाइप जैसा है और यहाँ पे वॉल फ्लेंज है, ये भी प्लास्टिक का ही है। और मेन टैप पे आते हैं, तो ये ब्रास का टैप है, तो ये प्लास्टिक का नहीं है, ये प्लास्टिक का होने से खाता हूँ। तो ये पूरा टैप देख लीजिए, इसका जो नॉब है वो सब भी ब्रास का है और ये बहुत ज़्यादा हेवी है, तो इसका क्वालिटी अच्छा है। ये पाइप शायद ब्रास नहीं तो स्टील का होगा, तो वो चीज़ प्लास्टिक क्यों दिया पता नहीं, शायद दिमाग ख़राब हो गया उन लोगों का। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक में होता है हॉट, एक में होता है कोल्ड। तो ये मिक्स करता है पानी को और यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, तो पानी दोनों साइड से इनपुट लेता है और आउटपुट करता है नीचे वाला टैप से। तो इस साइड करने से, तो मैं आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको इस साइड करते हो तो ये शावर पे ऊपर से पानी फेंकता है और इस साइड करते तो टैप से पानी निकलेगा। तो शावर में क्यों यूज़ करते वो मुझे नहीं पता। अगर पानी ज़्यादा गर्म हुआ शावर पे चला गया तो आपका पूरा बॉडी जल जाएगा, क्या हालत होगा समझ लीजिए। तो वो चीज़ संभाल के यूज़ कीजिए शावर में, गर्म पानी में। और ये इसका पाइप, तो इसका भी क्वालिटी अच्छा है, यहाँ पे एरेटर भी है, तो वो तो होता ही है। तो मुझे एकदम ठीक ठाक लगा जो प्राइस मैंने पे किया, बट वो चीज़ स्टील का दे दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। सो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।